हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 5 चुंबकत्व और द्रव्य। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो हमारे टॉपिक्स थे चुंबकीय बल रेखाएं और भी कई सारे जो टॉपिक्स थे उनको हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकशीलता क्या होती है, चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, चुंबकीय सुग्राह्यता क्या होती है और चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। इन सभी जो ये टर्म्स दिए हुए हैं इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी डिफिनीसन है वो है चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण किसे कहा जाता है? तो हम सपोज एक लोहे की छड़ लेते हैं जिसे एक चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। तो ये मान लीजिए कोई एक चुंबक है S और N। ये कोई चुंबक है जिसमें वैद्युत बल रेखाओं की दिशा, सॉरी वैद्युत बल नहीं, चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है, यानी इसी चुंबकीय बल रेखाओं की समांतर ही हम एक यहाँ पर अन्य कोई लोहे की छड़ लेते हैं। ये हमने यहाँ पर एक लोहे की छड़ ली। अब क्या होता है कि इस चुंबक के कारण इस चुंबकीय क्षण में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी चुंबकीय क्षण भी अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जिसकी बल रेखाएँ बिंदुदार वक्रों से दिखाई जाती है। यानी हमने यहाँ पर जो इस क्षण में जो वैद्युत बल रेखाएँ होंगी यानी चुंबकीय बल रेखाएँ होंगी वो कुछ इस प्रकार से होंगी। इस प्रकार से इनको हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ से हमको क्या पता चला? हमको यही पता चला कि जब किसी चुंबकित पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है। तो देखिए, इसमें चुंबकीय क्षेत्र ऑलरेडी था, यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही था और इसे किसी बाह्य यानी कि और ये चुंबकीय पदार्थ था जिसे इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। तो क्या हो गया, वह पदार्थ भी चुंबकित हो गया, यानी जो लोहे की छड़ थी ये भी यहाँ पर चुंबकित हो गई। तो पदार्थ में इस प्रकार उत्पन्न चुंबकत्व को हम क्या कहते हैं? प्रेरित चुंबकत्व। इसे हम कहते हैं प्रेरित चुंबकत्व। और ये जो पूरी घटना होती है इसे ही कहा जाता है क्या? चुंबकीय प्रेरण। और प्रेरण का एक अलग से चैप्टर भी, यानी अलग से यूनिट ही प्रेरण प्रेरण से। तो उसमें हम प्रेरण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जानना जरूरी है कि जो हमारी डिफिनीशन है चुंबकीय प्रेरण की वो क्या होती है। तो इस पूरी घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, जिसे हम बी वेक्टर से डिनोट करते हैं, यानी बी वेक्टर से इसे डिनोट किया जाता है चुंबकीय प्रेरण को। और यहीं से आता है क्या? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की परिभाषा भी यहीं से आती है। तो क्या होता है, छड़ के कुछ स्थानों पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो काफ़ी क्षीण हो जाता है, यानी कि दुर्बल हो जाता है। और इस छड़ के भीतर जो ये चुंबकीय बल रेखाएँ, इन्हीं को कहा जाता है क्या? चुंबकीय प्रेरण रेखाएँ। इन्हें ही चुंबकीय प्रेरण रेखाएँ कहा जाता है। वैसे चुंबकीय जो बल रेखाएँ उनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बहुत ही अच्छी तरीके से। और फिर यहाँ पर चुंबकीय प्रेरण रेखाएँ ये हमको देखने को मिलती। अब इसी में आती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की परिभाषा, जो इसी से रिलेटेड है और इसी से ही ये बनती है। तो किसी चुंबकित पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण रेखाओं की उस संख्या को जो रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरती है, पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण का परिमाण अथवा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। तो ये डिफिनीशन बनती है किसकी? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। और ये जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है इसे बी से डिनोट किया जाता है। और चुंबकीय प्रेरण को बी वेक्टर से, तो ये लगभग एक ही होते हैं। ये जो बी वेक्टर है यानी जो चुंबकीय प्रेरण है, ये एक वेक्टर है जो उस बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण रेखाओं की ये दिशा को दर्शाता है, तभी ये वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर लिखा जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की परिभाषा क्या होती है? तो उस चुंबकित पदार्थ यानी जो हमने लोहे की छड़ ली थी उसके भीतर जो चुंबकीय प्रेरण रेखाओं की संख्या होती है और जो रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरती है उसे ही हम कहते हैं क्या? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और इसका जो मात्रक होता है वो सेम टू सेम होता है कि कहाँ किसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी के बराबर इसका जो मात्रक होता है वो भी होता है वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। या और भी कई सारे मात्रक होते हैं, हमने आपको बताए थे पीछे, गॉस, टेस्ला, ये सभी इसके मात्रक होते हैं। तो यही चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के मात्रक होते हैं। तो अगर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पूछा जाए, चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए, चुंबकीय प्रेरण पूछा जाए, तो लगभग और लगभग एक ही होते हैं, एक ही समान होते हैं।
तो ये थी डिफिनीशन हमारी चुंबकीय प्रेरण की। अब हम बढ़ते हैं अगली डिफिनीशन की ओर, जो कि है चुंबकन तीव्रता। तो चुंबकन तीव्रता क्या होती है? तो चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता, दो टर्म्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चुंबकन तीव्रता इसे हम डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं हम आई से। चुंबकन तीव्रता को आई से डिनोट करते हैं। और जो चुंबकन तीव्रता होती है वो क्या बताती है? वो ये बताती है कि पदार्थ किस सीमा तक चुंबकित है, यानी पदार्थ के चुंबकित होने की सीमा, पदार्थ के चुंबकित होने की सीमा बताती है क्या? चुंबकन तीव्रता। और इसकी अगर हम डिफिनीशन करें तो वन लाइनर में जो इसकी डिफिनीशन होगी वो ये होगी, चुंबकन जो तीव्रता होती है चुंबकित पदार्थ के एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण से परिभाषित होती है। इसका क्या मतलब है? यानी जो इसका फार्मूला होता है, आई वेक्टर बराबर एम वेक्टर अपान वी। एम वेक्टर क्या है? एम वेक्टर होता है चुंबकीय आघूर्ण, और वी यहाँ पर आयतन है, और ये जो आई है ये है यहाँ पर सदिश राशि। आई एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें वेक्टर लगा हुआ है, और आई से ही डिनोट करते हैं किसे? चुंबकन तीव्रता को। और इसका जो मात्रक होता है, तो मात्रक भी आपको याद रखना है, ये होता है एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर इसका मात्रक होता है। तो ये हुई चुंबकन तीव्रता की डिफिनीशंस। अब देख लेते हैं चुंबकीय तीव्रता, मिलता जुलता टर्म से, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना। जो चुंबकीय तीव्रता होती है उसको हम डिनोट करते हैं एच वेक्टर से, इसे एच वेक्टर से डिनोट किया जाता है। चुंबकन तीव्रता को, सॉरी, चुंबकन तीव्रता को आई वेक्टर से डिनोट किया जाता है, और चुंबकीय तीव्रता को एच वेक्टर से डिनोट किया जाता है। और यह जो चुंबकीय तीव्रता होती है, यानी ये क्या होती है? तो ये किसी चुंबकन क्षेत्र की पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता, ये होती है चुंबकित करने की क्षमता। और ऊपर जब हमने क्या पढ़ा था, चुंबकन तीव्रता पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था किसी पदार्थ के चुंबकित होने की सीमा, यानी किस सीमा तक वो पदार्थ चुंबकित हो रहा है उसे कहा जाता है चुंबकन तीव्रता। और जो किसी पदार्थ को, चुंबकन क्षेत्र के पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को ही हम कहते हैं चुंबकीय तीव्रता, इसे एच वेक्टर से डिनोट किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, तो एच वेक्टर बराबर बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस आई वेक्टर, यानी चुंबकीय तीव्रता बराबर बी वेक्टर अपान म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या होती है? निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट है, और चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर चुंबकीय प्रेरण है, और आई वेक्टर क्या है? पीछे पढ़ा अभी हमने चुंबकन तीव्रता। तो अगर इन तीनों में जो, यानी कि आपस में संबंध रिलेशन भी पूछा जाता है तो भी आपको यही बताना है। और इसका भी मात्रक सेम टू सेम होता है जैसा कि चुंबकन तीव्रता का होता है, सेम मात्रक होता है चुंबकीय तीव्रता का, यानी एच वेक्टर का मात्रक एम्पियर पर मीटर। और इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो आपको ध्यान रखना है, वो होता है ऑस्टेड, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, इनके नाम पर ही इस मात्रक का नाम रखा गया है। सीजीएस पद्धति में ये मात्रक होता है इसका ऑस्टेड, किसका? चुंबकीय तीव्रता का। और इनमें आपस में संबंध भी होता है, एच वेक्टर बराबर बी वेक्टर पर म्यू नॉट माइनस आई वेक्टर। तो ये दोनों डिफिनेशन थी चुंबकीय तीव्रता और चुंबकन तीव्रता की। अब देखते हैं आगे जो हमारा टर्म्स है वो है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता क्या होती है? इसे म्यू से डिनोट करते हैं। हम पहले ही पढ़ते रहे निर्वात की चुंबकशीलता के बारे में, जो कि म्यू नॉट होती थी। तो अब क्या है कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकन क्षेत्र में रखते हैं तो वह चुंबकित हो जाता है, और उस पदार्थ में वायु के सापेक्ष वो जो बल रेखाएँ वो वहाँ पर गुजरती हैं। तो इससे क्या हमको पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो बल रेखाएं वायु के अपेक्षा चुंबक पदार्थ में अधिक सुगमता से गुजरती हैं, और वो जो बल रेखाएं वायु में उतनी अच्छा नहीं गुजरती जितना अच्छा किसी चुंबक पदार्थ में होकर गुजरती हैं। तो चुंबकित पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण, चुंबकित पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण, यानी यहाँ पर इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं सीधे फॉर्म में लिखेंगे, बी तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपात को ही क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं उस पदार्थ की। यानी जो फार्मूला बना वो क्या बना? म्यू बराबर बी अपान एच। बी क्या है? चुंबकीय प्रेरण। बी है यहाँ पर चुंबकीय प्रेरण, और एच क्या है? एच है यहाँ पर चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, ना कि चुंबकन तीव्रता। तो ये है चुंबकीय तीव्रता।
एच, तो म्यू बराबर बी अपान एच होता है। और बात करें अगर इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक होगा वेबर बटे एम्पियर मीटर। तो ये सभी के मात्रक भी आपको याद रखने, और जो फॉर्मूले हैं वो भी आपको याद रखने। अब आगे आता है इसमें क्या, सापेक्ष चुंबकशीलता। तो अभी हमने पढ़ा चुंबकशीलता के बारे में, अब आता है सापेक्ष चुंबकशीलता। और इसे डिनोट करते हैं हम किससे, म्यू आर से, यानी सफिक्स में आर होता है, म्यू ऊपर, जो हमने चुंबकशीलता पढ़ा, म्यू आर सापेक्ष चुंबकशीलता होती है, और म्यू नाट निर्वात की विद्युतशीलता होती है, क्योंकि इसमें जो नाट लगा होता है वो निर्वात को डिनोट करता है। तो ये क्या होती है, तो किसी चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता, यानी किसी पदार्थ की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को, सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं, यानी म्यू आर बराबर म्यू अपान म्यू नाट, ये होता है। और म्यू में म्यू नाट का भाग देंगे तो दोनों एक ही मात्रक होंगे, यानी ये जो राशि होगी सापेक्ष चुंबकशीलता ये होगी मात्रकहीन, और मात्रक नहीं होगा तो बीमा भी नहीं होगी, यानी कि मात्रकहीन और बीमाहीन। और निर्वात के लिए इसका मान, निर्वात के लिए मान इसका होगा 1। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका निर्वात के लिए इसका मान होगा 1। और इसके साथ ही इसका और एक फार्मूला बनता है, जो कि बी और म्यू के पदों में बनता है चुंबकशीलता, और उसके पदों में, तो इस फार्मूले को भी आपको याद रखना है, जो कि है म्यू आर बराबर बी अपान बी नाट, यानी कि निर्वात, ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ के भीतर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा उसी निर्वात में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के अनुपात को भी सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। तो ये दोनों डिफिनीशंस इसकी होती हैं, जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। और ये जो अभी अलग अलग जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें जो हम पढ़ेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो म्यू आर होती है, यानी सापेक्ष चुंबकशीलता, ये प्रतिचुंबकीय के लिए एक से कम, और ये एक से ज़्यादा किसके लिए, अनुचुंबकीय के लिए। और म्यू आर एक से बहुत ज़्यादा किसके लिए, लौह चुंबकीय के लिए। तो ये जो पदार्थ हैं तीनों, इनके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ पर डिफिनीसन को अच्छी तरीके से लर्न रखना है, और उसके साथ ही साथ जो और हमारे डिफिनीसन्स हैं उनको भी देखते हुए चलना है। फिर देखते हैं आगे, आगे आता है हमारा चुंबकीय सुग्राहिता अथवा प्रवृत्ति, यानी चुंबकीय सुग्राहिता क्या होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चुंबकीय सुग्राहिता का मतलब है किसी पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता पदार्थ के चुंबकत्व तो धारण करने की क्षमता से नापी जाती है, यानी वो पदार्थ कितना चुंबकत्व तो धारण कर सकता है, चुंबकत्व तो धारण करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय सुग्राहिता अथवा चुंबकीय प्रवृत्ति। और इसमें क्या होता है, यानी कोई पदार्थ चुंबकन क्षेत्र में कितनी सरलता से चुंबकित हो जाता है, जितनी सरलता से, जैसे किसी पद कोई पदार्थ है उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में, रखा गया, तो वो जितनी जल्दी, यानी कि जितनी सरलता से वो चुंबकित हो जाएगा, तो उतनी ही उसकी चुंबकीय सुग्राहिता होगी। और इस ये जो होती है, यानी चुंबकीय सुग्राहिता चुंबकीय तीव्रता से ही निकलती है, यानी सबसे पहले जो चुंबकीय तीव्रता होती है आई वेक्टर, यानी चुंबकन तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है चुंबकीय तीव्रता के, आई प्रोपोर्शनल टू एच वेक्टर। तो जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहीं से आता है आई बराबर काई एम इंटू एच वेक्टर। तो यही जो काई एम होती है, यही होती है क्या, चुंबकीय सुग्राहिता, यानी इसे काई एम से डिनोट करते हैं, ये साइन होता है काई एम, यानी इसका जो मेन फार्मूला हमको मिला वो आई और एच से ही मिलता है, क्योंकि इसकी डिफिनीशन क्या होती है, किसी पदार्थ के चुंबकत्व धारण करने की क्षमता को ही हम चुंबकीय सुग्राहिता या प्रवृत्ति कहते हैं। तो आई प्रोपोर्शनल टू एच वेक्टर, और आई बराबर, काई एम एच वेक्टर, आई वेक्टर, तो ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से जब हम चुंबकीय सुग्राहिता का फार्मूला निकालेंगे तो ये हो जाएगा आई अपान एच, यानी चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकन तीव्रता कहते हैं।
और यह क्या होती, या एक शुद्ध संख्या होती, यानी निर्वात के लिए इसका मान शून्य होता है। तो ये आपको लर्न रखना है, निर्वात के लिए इसका मान शून्य होता है। क्यों? क्योंकि निर्वात में कोई भी चुंबकन नहीं होता, और जब तक चुंबकन नहीं होगी तो उसके धारण करने की क्षमता का वहां पर कोई मतलब नहीं बनता है। और प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोहचुंबकीय पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। तो ये हम देखेंगे अगले चैप्टर में। और एक और इससे रिलेटेड ही एक संबंध है, जिसका केवल और केवल फार्मूला आपको लर्न रखना है, तो वो संबंध भी हम देख लेते हैं। तो वो संबंध है किसके किसके बीच में, तो वो है संबंध है सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर व चुंबकीय सुग्राहिता काई एम में रिलेशन, यानी संबंध क्या होता है। तो पूरे डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, सिंपल सा इसका जो फॉर्मूला है वो हमको लर्न रखना है यहाँ पर, जो कि होता है म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम। या अगर हमको काई एम यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति निकालनी हो तो ये हो जाएगा म्यू आर माइनस 1। म्यू आर क्या है? सापेक्ष चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता। और जो काई एम है ये होती है चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो ये सिंपल सा हमको फार्मूला इसका याद रखना है, पूरे डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं। तो आज की क्लास में इन सभी टॉपिक्स को, जो ये टर्म से रिलेटेड उससे, उन सभी के बारे में हमने पढ़ा। और अगली क्लास में इसके आगे के जो टॉपिक हैं, यानी प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोहचुंबकीय पदार्थों के बारे में डिटेल से जानेंगे, और उससे रिलेटेड जो नियम हैं उनके बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।